नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोमन बाजवा। शहर के नागरिक अस्पताल की लैब में रखी सीबीसी मशीन के खराब होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भारी भरकम रेट चुकाकर निजी लैब से रिपोर्ट चेक करवानी पड़ रही है। इस दौरान लोगों ने सरकार व प्रशासन से मशीनों को ठीक करवाने या उसकी जगह नई मशीन मंगवाने की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन से एसएमओ डॉक्टर कुणाल वर्मा ने कहा कि वीरवार को मशीन को ठीक करवाने के लिए कर्मचारी आएगा जो इसे ठीक कर देगा। जानकारी मुताबिक बरसात के चलते हुए अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते चिकित्सक एबीसी टेस्ट के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मशीन खराब होने से मरीजों को निजी लैब से टेस्ट करवाना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ रहा है। अलीपुर खालसा निवासी 42 वर्षीय राजेश पुत्र जिले सिंह मजदूरी का काम करता था। उसने अपने भांजे अमित के साथ गांव में ही ईश्वर शर्मा के एक मकान को तोड़ने का ठेका लिया था। बुधवार को राजेश मकान को तोड़ने का काम कर रहा था, इसी दौरान उसके ऊपर दीवार गिर गई और वह उसके नीचे दब गया। अमित ने हादसा होता देखा और शोर मचाया, जिसके बाद मकान मालिक व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाकर राजेश को बाहर निकाला गया। दीवार के नीचे दबने से राजेश बुरी तरह से घायल हो गया था। अमित व ग्रामीण उसे घरौंडा के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक ऐलान दिया। पंचायती चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा की देखरेख में आरक्षित पदों के लिए ड्रॉ प्रक्रिया हुई। ड्रॉ के जरिए 3 अस्पताल समिति व 4 सरपंच पद के लिए पिछड़ा वर्ग ए के ड्रॉ निकाले गए। घरौंडा के वार्ड नंबर 9, 22, 24 पिछड़ा ए वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। वही घरौंडा खंड का वार्ड संख्या 19 जिला परिषद में बीसी ए के लिए रिजर्व हुआ। एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा ने बताया कि खंड घरौंडा की पंचायत समिति व सरपंच पंच के होने वाले चुनाव हेतु पिछड़ा वर्ग ए के लिए आज ड्रॉ निकाले गए हैं। सभी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के द्वारा बड़े ही निष्पक्षता के साथ ग्रामीणों की देखरेख में पूरी की गई है। हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण कुमार ने मंगलवार को कलायत नगर की बुढ़ार 360 की गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 2014 से पहले नहीं थी गौवंश संवर्धन एवं देखभाल की व्यवस्था। उन्होंने गौशाला के अध्यक्ष योगेश गर्ग की सफाई व्यवस्था व रखरखाव की भूरी भूरी प्रशंसा की और बधाई दी। 2014 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकार ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले गोवंश की संभाल ली और वर्ष 2015 में गौ सेवा आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गौ हत्या, तस्करी व गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए कानून बनाया। इन चीजों की जो अवहेलना करेगा उसे 10 साल की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में 215 गौशालाएं थी, अब भाजपा की सरकार में 624 गौशालाएं संरक्षण प्राप्त है। गौशालाओं को सरकारी तौर पर 2 रुपए बिजली यूनिट पर जमीन की रजिस्ट्री का खर्चा सिर्फ 1% लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी नस्ल के गौवंश का सीमन अब प्रदेश की गौशालाओं में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गौशालाओं के अंदर नस्ल संवर्धन के लिए केवल भारतीय देशी गौवंश का ही सीमन, जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है जिसमें 85% बछड़ी आती है, उसका प्रयोग होगा, ऐसा तय किया गया है। विदेशी गौवंश का सीमन हरियाणा की गौशालाओं में नहीं लगेगा, तो ये कुछ प्रावधान किए। और इसके अलावा भी गौ चरांत की जमीनों के बारे में भी नियम बनाया और अन्य अनेकों मुद्दे जो गौशालाओं के रहते हैं उन पे भी कोशिश की गई। तो निश्चित रूप से गौशालाएँ 215 गौशालाएँ 2014 में थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला। कलायत में प्राचीन कपिल मुनि तट पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन पार्क में सोमवार को महाराज अग्रसेन जन्मोत्सव समारोह हवन यज्ञ करके बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में भाजपा नेता राजू कौशिक ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष नंबरदार संजय सिंगला ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करोड़ों रूपए की लागत से नवनिर्मित पार्क की सौगात से हल्कावासी गदगद रहे। राजू कौशिक बीजेपी नेता ने कहा कि कलायत इलाकावासियों का अपनी तरह का
यह पहला आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क है जो महाराजा अग्रसेन के नाम से नामकरण हुआ है। सभी अग्र बंधु आज इस उपलक्ष्य में जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए थे। आज चेयरपर्सन शशिबाला कौशिक का आभार व्यक्त करते हैं और सभी पार्षदों की टीम का जिसने इस मुहिम में नाम रखने में साथ दिया और सभी ने मिलजुल के चले तो तभी ये नाम कर्णराज अग्रसेन जी के नाम पे पार्क का हुआ है। इसके लिए चेयरपर्सन प्रतिनिधि और पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ। सब्जी लेने जा रहे बुजुर्ग की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेलवे पुलिस जांच में जुट गई है। रेलवे लाइन क्रॉस करके घर के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहे बुजुर्ग की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत होने की दुखदायी खबर सामने आई है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय बाबा बूटा बस्ती निवासी सुरजीत के रूप में हुई है। हादसे की सूचना पाकर पहुंची जाखर रेलवे पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुँचा दिया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसका पिता घर के लिए सब्जी लेने हेतु बाजार जा रहे थे कि रेलवे लाइन क्रॉस करते समय रेलगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जब पड़ोसी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसने बताया कि हादसे में उसके पिता की मौत हो चुकी है। रेलवे पुलिस जांच अधिकारी विष्णु ने बताया कि मृतक सब्जी लेने के लिए जा रहा था। जब वह रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे पिताजी 15-20 दिन से बीमार चले हुए थे, जो कि कैंसर पीड़ित थे, और हमें घर से मेरी मम्मी ने वो कुछ सामान ले घर का सामान लेने के लिए जरूरी फाटक पे भेज दिए थे। सुबह जो वो सामान लेने गए वहां पे लाइन क्रॉस कर रहे थे, जिससे कि वो चलने के लिए थोड़े कमजोर थे वो बीमारी के कारण, उनका पैर उलझने के कारण वो चेन का शिकार हो गए। वो अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है। मंडी के सभी गेट पर 33 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पानी व सफाई व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। मार्केट कमेटी सचिव अमित रोहिला ने जानकारी दी है। अनाज मंडी प्रशासन द्वारा रतिया रोड स्थित एडिशनल अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद की जाएगी, जिसको लेकर एजेंसियां अलर्ट की गई हैं। वहीं अनाज मंडी में सिक्योरिटी को देखते हुए 33 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए पानी की उचित व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। मार्केट कमेटी सचिव अमित रोहिला ने बताया कि अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा दी गई है, तथा शौचालय को भी स्वच्छ करवा दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो पीने के पानी के मटके भी रखवा दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला संरक्षक जयपाल चमरौड़ी की अध्यक्षता में सैकड़ों किसान गांव कुंचल में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर ने कहा कि गुंजल गांव के किसान उदय सिंह के मकान को ऋण के एवज में खाली कराने हेतु आज तहसीलदार रादौर ने नोटिस दिया था कि आज किसान का मकान खाली करवाया जाएगा, लेकिन कल ही भारतीय किसान यूनियन ने भनक लगते ही मैसेज के जरिए सभी किसानों को कुंजल आने का न्योता दिया, जिसमें 10 बजे से कुंजल गांव में भारतीय किसान यूनियन की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। फिर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक किसानों को फसल का धान नहीं मिलता उचित दाम नहीं मिलता, किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी किसान ना बिजली के बिल भरेंगे ना ही कर्जा दिया जाएगा। अगर किसी बैंक या बिजली अधिकारी ने किसी किसान को परेशान किया तो गांव में पहुंचे सभी अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। उन्होंने गांव में पहुंचे सभी किसानों का धन्यवाद किया और कहा कि यदि किसी किसान को कोई दिक्कत आती है तो सभी किसान एकता के साथ वहाँ इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाएं। शहर को साफ सुंदर व व्यवस्थित बनाने में सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर मेयर मदन चौहान ने बुधवार को नगर निगम के वार्ड नंबर 3, 4 व 5 के स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब, मदरसे, अस्पताल, धर्मशाला व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में मेयर चौहान ने सभी प्रतिनिधियों को शहर को सुंदर बनाने के सहयोग देने में विशेष अभियान चलाकर अपने क्षेत्र को साफ व सुंदर बनाने और शहरवासियों को जागरूक करने का आह्वान किया।
वहीं उन्होंने संस्थाओं के पदाधिकारियों को अपने आसपास के क्षेत्र पार्क सड़क आदि को गोद लेकर उसका रखरखाव करने और उसे साफ व सुंदर बनाने का आह्वान किया। इस दौरान मेयर चौहान ने सभी प्रतिनिधियों से शहर को साफ व सुंदर बनाने के लिए सुझाव मांगे। बैठक के दौरान कई स्कूलों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने की बात की। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा पिछले 3 महीने से लंबित अपनी मांगों को लेकर बलदेव नगर स्थित अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और यह चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस मौके मीडिया से बात करते हुए ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी विकास वर्मा ने बताया कि 3 महीने पहले उन्होंने अधीक्षक अभियंता को अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया था, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, जिनमें से कर्मचारियों की तरक्की, उनको मेडिकल की सुविधाओं को लेकर कई सारी मांगे रखी गई थी। अगर अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अंबाला में भारी मात्रा में नशे की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में अंबाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी अफ्रीका से संबंध रखता है, जो फिलहाल नई दिल्ली में रह रहा था। अंबाला एसपी ने बताया कि नशा तस्करी की चेन के अंदर थर्ड लेयर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो अंबाला में अब तक करोड़ों की हेरोइन सप्लाई कर चुका है। बीते दिनों अंबाला में पकड़े गए लगभग 4 नशा तस्करों के तार इस मुख्य आरोपी से जुड़े हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने से अंबाला पुलिस ने एक खास NDPS के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिसमें हमने भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर हेरोइन स्मैक बरामद की। और इसमें जब इसमें फर्दर हमने तफ्तीश की तो उसके सोर्स जो थे वो कॉमन पाए गए, और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर CIA 2 संदीप इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CIA 2 ने, जो हमारा मेन सोर्स था जहां से काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को स्मगल करके अंबाला के अंदर पहुंचाया जा रहा था, उसको अरेस्ट करने में कल कामयाबी हासिल की। जो एक्यूज्ड है वो मूल रूप से अफ्रीका से संबंध रखता है और वो हाल में दिल्ली के अंदर रह रहा था। इसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। इसका नाम है एडविन उर्फ टेंको, मोहम्मद एबूबे नोवेंको, सन ऑफ मोहम्मद नोवेंको, जो कि हाउस नंबर 29 दीदियर द्रबा लेआउट अबिद जान आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। और ये वर्तमान में संत कबीर मॉडल स्कूल है चंद्र विहार न्यू दिल्ली के अंदर, ये हाल में वहाँ पे रह रहा था। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसने अंबाला के जो ड्रग तस्कर थे उनको हेरोइन ये सप्लाई कर रहा था काफ़ी टाइम से। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कैथल ट्रैफिक पुलिस ने महज एक दिन में 32 बुलेट मोटरसाइकिलों का चालान किया, बल्कि 46,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं 8 मोटरसाइकिल को इम्पाउंड भी किया गया। जानकारी देते हुए ट्रैफिक SHO रमेश चंद्र ने बताया कि SP मकसूद अहमद के आदेश पर अभियान चलाकर यातायात के नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के चालान भी किए गए और कई वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया। उन्होंने बताया कि उनका ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। नियमों की पालना ना करने वाले वाहन चालकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। निसिंग नगर पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड के पास अवैध कब्जे हटाए और वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी हटाया गया। इस दौरान नगर पालिका सचिव और सफाई दरोगा गीता रानी ने पहुंचकर अभियान चलाते हुए नजर आए, जिसमें थाना निसिंग पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाते हुए नजर आई और कहा कि सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से ही यह जाम की स्थिति बनी रहती है। गीता रानी ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सामान रख लेते हैं, जिस कारण बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है।
दुकानदार दुकानों के आगे सामान ना रखें। इस तरह की कार्रवाई नगर पालिका की ओर से लगातार जारी रहेगी। रेहड़ी लगाने वालों ने कहा कि प्रशासन लगातार गरीबों को ही परेशान कर रही है। रेहड़ी लगाने वाले और ड्राइवरों की नगर पालिका सचिव और सफाई दरोगा गीता रानी के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। सो हरियाणा न्यूज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोमन बाजवा।